राहुल जी की क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। दर्शन सिंह जी, क्या दर्शन सिंह बात ऐसा था, वो लड़की हमारे पड़ोस में रहती है, रिश्तेदार है हमारी, तो वो इधर से किसी के बच्चे को खिला के नीचे उतर के जा रही थी। अब इनका कुत्ता जो ना अंदर से आया और उस लड़के को ऐसा चिपटा के कम से कम उसको इतनी जोर जोर के बुरी तरीके से उसको काटने लगा, उसके केस, उसके बाल, उसके पूरे बदन के अंदर उसको काटने लगा। अब वो काटने के बाद में क्या हुआ, सब लोग गली के मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, उन्होंने मारा पिटा, उन्होंने सब कुछ करा, लेकिन जब भी नहीं हटा। फिर बड़ी मुश्किल से एक आदमी आया जो उसने उसको मार पीट के हटाया, वो लड़की लूलुहान हो गई, उसका दांत भी टूट गया, उसके कान में पूरा जख्म कर दिया बदन में। बाकी हम फिर वो सब लोग हॉस्पिटल, उम्र करीबन है कोई कितनी, 7-8 साल की उम्र उसकी, 8 साल की उम्र, गली में ही खेल रही है। और ये हमारे पड़ोसी हैं, और वो जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हमारे पड़ोस में रहते हैं, जगतपुरी बी विराग वो अच्छा, रहती है। जो कुत्ता है वो कौन सी ब्रीड है? वो मेरे ख्याल में फुटबॉल है, कौन है कुत्ता उसका? पिटबुल। हाँ, पिटबुल कुत्ता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब बच्चे? उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, फिर उसको पहले हेड गवार लेके गए, हेड गवार ने मना कर दिया कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, कि इसको जी टी वी ले जाओ। फिर जी टी वी में भी नई बात बनी, फिर सादरे ले गए, सादरा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसके 2 इंजेक्शन लगाए, एक इंजेक्शन और लगाना था तो उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा करो, आप इसको ले जाओ जी टी वी में, वहाँ सरकारी इंजेक्शन लगेगा इसके, और करीबन 8-10 हज़ार का इंजेक्शन है। तो वो वहाँ से फिर चले गए सीधे जी टी, वहाँ उन्होंने कह अच्छा, दिया। इस तरह से देखा जा रहा है, इतने खतरनाक ब्रीड है जो लोग घरों में पाल रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरें सुन रहे, बहुत खबरें सुन रहे हैं, मैंने तो कई बार फिर भी नहीं मानते हैं। तो फिर वो कोई तो फिर तो उनका देखो, उनकी माँ से पूछो, जिसकी माँ इतनी लुहान बोल रही थी और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, उसकी दादी नानी उसका भाई उसकी बहनें सब ऐसी हो गई जैसे कोई मर गया हो। तो हमने कहा मगर भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर हमारे रिश्तेदार आदमी उसको लेके गए, गाड़ी में बैठा के, वो जो मालिक है जिसका कुत्ता था वो भी लेके गया। ले जाने के बाद में उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन लगवाऊँगा। अब वो लगवाया, लगवाने के बाद में फिर वो आ गया, फिर वो लड़की बहुत डरी डरी थी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं भाई, अच्छा इनका कुत्ता यहाँ नहीं रहे, अरे भाई यहाँ अगर रहेगा तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर किसी को काटेगा, और एक को नहीं काटा बहुत को काटा है। इस कुतिया को यहाँ से आएगी, अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया तो इसको यहाँ से रफा दफा कर दे। उन्होंने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, वो ले गई है। हाँ भैया, भोजनों को काट लिया इस कुतिया ने। तो क्या क्या लगता है, इतना खतरनाक कुत्ता घर पे पाला हुआ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, गली में खेलते हैं, आए दिन खबरें भी सुनते हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या एक्शन चाहते हैं? बस बस कुतिया को यहाँ से निकाला जाए, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं, ये बस कहना चाहते हैं। तो कोई चिंता नहीं। अच्छा, पहले कभी शिकायत करी? हाँ जी, 2-3 जनों को हमारी गलियों में काटा है इसने। तो पहले किसी ने शिकायत करी थी? हाँ जी, ये जो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही चाहते हैं कि ये कुत्ता गली में नहीं रहे भाई, ये कुतिया, क्योंकि काफ़ी बच्चों पे अटैक हो चुका है और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं। हम तो यही चाहते हैं यहाँ नहीं रहे, क्योंकि आज उसका बच्चा है, कल हमारे ही बच्चे घूमते हैं, दुकान पे भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, काफ़ी काम होते हैं। तो हम यही चाहते हैं बच्चे यहाँ पे, ये कुतिया नहीं रहे। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस आई थी, उनको लेके गए हैं और उनकी डॉक्टरी होगी लड़की की, वो सारे वहाँ गए हुए हैं हॉस्पिटल।